देखिए आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमें बताइए। देखिए मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूँ, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं। आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ए, तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है, इसे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना, अपने पास क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना, हा? क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की दो बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैं। 19 MLA थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा, सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 MLA जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, आप मेरी बात का ये। अजी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठ कर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखी। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब, क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं, यकीन मानिए, जगदम्बे अम्बे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। क्या देखो कौन है माँ? कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए, और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपए के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचान आपकी नजरों ने मुझे, हम एक गिरी हुई बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ, लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े, और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं,
कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी। जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तो मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है रोने की जरूरत नहीं। मनी इन्हें घर तक छोड़ा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मनी पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए, अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो जी चलिए जाओ डूब मरो। एक लड़की को नहीं पकड़ सके। लेकिन साहब हमने तो पूरी कोशिश की। Shut up, you bastard! चल चल छोड़ छोड़। तेरी शादी हो गई? मैं समझ गई, कोई लड़का तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है, पता नहीं उसके मन में क्या है। माँ ये क्या हो रहा है? तूने फिर मेरी बुराई शुरू कर दी ना। अरे नहीं रे। खैर कैसा चल रहा है? तूने दवाई टाइम पे ली के नहीं? हाँ हाँ खाई और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए। मैंने तो साफ कह दिया खांसी तो रुक ही नहीं रही मेरी, फायदा क्या है? सेव बटाटा पूरी खाए के नहीं? नहीं मैं कहाँ खाती हूँ। तू सुधरेगी नहीं, डॉक्टर ने तुझे तीखा चटपटा खाने को मना किया है ना। मैंने मिर्ची कम ही बोला था, लेकिन ये नालायक है ना मुच्छड़, ये तो ऊंचा सुनता है ना, हर बात में हाँ 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 करता है। समझ गया फिर वही गलती करता है। अच्छा तू क्या लाई खाने को? सेब और केले। हाय संतरे नहीं लाई तू? पहली बार भूली हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाजू वाले को सेब दे के संतरे ले लूंगी, अपना चलता है। मैंने इसे चुपके से ना सेब बटाटा पूरी खिला दिया था, इसे भी डॉक्टर ने मना किया है तेज चटपटा खाने से। जिस तरह तू मुझे डांटती है ना, ये अपनी बीवी की रोज डांट खाता है। ऐसा सब कुछ यहाँ चलते रहता है, मस्त टाइम पास होता है, मस्त। माँ तेरा तो यहाँ टाइम बहुत मस्त पास होता है। अपना तो कल रात को बहुत टाइम खराब आ गया था। क्यों क्या हुआ? तेरा नए मालिक के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं, ये ले तू सेफ का। तूने मुझे अपने नए काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कहीं तू कोई ऐसा वैसा काम? माँ तेरे को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? देख तेरे को लगता है मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूंगी? नहीं। बस ठीक है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगी। और अगर तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो तू मुझे बता दे। नजर में तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसे जानना पहचानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज क्या है। सर ये है देवा, कुछ ही दिनों में उसने जुर्म की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है। दूसरे मुल्कों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी करता है ये। हालांकि अभी तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का ये मेंबर नहीं है। सर ये जिंदाल है, वैसे तो ये कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का मालिक है, मगर इसका असली धंधा है ड्रग्स का। और सर ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है। और सर ये है लाल सिंह, लाल कंस्ट्रक्शन के नाम से इसकी बड़ी कंपनी है। इसने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत कई जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है। नगर पालिका के कई अधिकारियों को अपने साथ लेकर सरकारी जमीनों पर भी इसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है। पुलिस में इस पर काफी मामले दर्ज हैं। सर ये खान, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन, यूं समझिए कि पैसों के लिए किसी को मार देना इसका पेशा है। इस पर कई नामी लोगों के हत्याओं के केसेस चल रहे हैं। ये जिंदाल और लाल सिंह के लिए काम करता है। मुझे अफसोस है सर कि पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। हमें पूरा यकीन है सर, अगर इन चारों को काबू में कर लिया जाए तो शहर से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों को इतना सब कुछ मालूम है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर,
और प्रॉब्लम है हमारा कानून। अदालत की कार्रवाई में बहुत वक्त गुजर जाता है सर, और ये सब लोग अपने पैसों के बूते पर बड़े बड़े वकीलों को अपनी पैरवी के लिए खड़ा कर लेते हैं, और अदालत इनकी गिरेबान तक पहुंच नहीं पाती और केस कमजोर पड़ जाता है। आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से मिस्टर सक्सेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। बिल्कुल नहीं सर, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको खास अधिकार चाहिए सर। वी नीड स्पेशल पावर्स। हमारे पास ऐसे मैजिस्ट्रेट होने चाहिए जो रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी इनके खिलाफ हमें वारंट दे, और हमारे पास खास अधिकार होने चाहिए कि हम इन्हें जब चाहे हिरासत में ले लें और जरूरत पड़ने पर सच उगलवाने के लिए इन पर थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकें। दैट्स राइट। मैं जानता हूं आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात सही है, एकदम सही, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है मिस्टर सक्सेना कि अगर ये अधिकार पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं तो पुलिस डिपार्टमेंट इन अधिकारों का मिसयूज नहीं करेगा? सर, अगर कोई भी शख्स इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाए उसको भी बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। मैं अपना डिसीजन कल शाम तक तुम्हें बताता हूँ। Happy birthday to you, happy birthday dear Deepu। चलो चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आकाश, ये तेरे लिए। आकाश, ये तो बहुत महंगा लगता है। इस पेन से एक दिन तू इतिहास लिखेगा। इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। मेरा लिखा इतिहास पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तेरी बातें भी बस देवा। शरबत, कमाल है, अब तक इंदर नहीं आया और खाना भी तैयार है। और उसके इंतजार में हमें भूखा मत रखना। इंदर ने आज ही चार्ज लिया है, पुलिस वाला है, ड्यूटी पहले करेगा। क्यों रे, कितने पैसे मिले तुझे लाल से बस्ती खाली कराने के लिए? साहब मैं तो उधर कभी गया नहीं, मैं तो गोवा में था साहब। मैं तुझ जैसे गुंडों की जात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाथ नहीं लगाना साहब, कानून हम भी जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी आवाज इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे तेरा बाप लाल सिंह बैठा है, जो कानून के दलालों को खरीद कर तेरी जमानत करा देगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अपने आप को लाल की छतरी से अलग कर ले, क्योंकि अब इस शहर में मैं लाल जैसे लोगों की साथ ही खत्म कर दूंगा। क्या बात है जुगानी साहब, एक्सरसाइज लाल भैया कर रहे हैं और पसीने आपको छूट रहे हैं, है? लगता है बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं आप। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा मौका है। लाल साहब, लगता है वो कालीना वाली जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लीगल तौर पर नाना भाई ट्रस्ट ने वो जमीन स्कूल बनाने के लिए ली थी। उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया है। मैं उनके वकील से भी मिला, उसे समझाया कि ये केस वो अपने हाथ में ना लें, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से स्टे ले लिया और आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे आए। हाँ।